हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। दक्षिण कन्नड़ा एक कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है जो कोस्टल कर्नाटका और कारावेली रीजन में आता है। ये वीडियो में मैं आपको कर्नाटका के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और दक्षिण कन्नड़ा के ऊपर ज़्यादातर बात की जाएगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ज्योग्राफी वाइज कर्नाटका को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला तो आता है कोस्टल कर्नाटका यानी कि कारावेली रीजन। कारावेली एक कन्नड़ा वर्ड है जिसको समुद्री किनारा बोला जाता है या समुद्री तट बोला जाता है, इसलिए सबसे पहला पार्ट आता है कारावेली रीजन यानी कि कैनरा रीजन भी इसको बोला जाता है, जो अरेबियन सी के साथ वाला एरिया। जब हम कारावेली रीजन से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं तो वेस्टर्न गार्ड्स आते हैं। जो वेस्टर्न गार्ड्स कर्नाटका से क्रॉस करते हैं उस वेस्टर्न गार्ड्स को कर्नाटका में एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसका नाम है मेलनाडू। वेस्टर्न गार्ड्स को छोड़ के जब हम और ईस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं तो एक एलिवेटेड लैंड आती है जिसको बोलते हैं बयालू सीमा रीजन। ये एलिवेटेड लैंड लगभग 800 से 1000 मीटर तक उठी हुई है। तो बेसिकली तीन रीजन हुए ज्योग्राफी वाइज कर्नाटका के, कोस्टल कर्नाटका यानी कि कारावाली रीजन, मलेनाड रीजन यानी कि मेलनाडु रीजन और बयालू सीमा रीजन। ये तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं कर्नाटका को। और जो दक्षिण कन्नड़ा है वो आता है कोस्टल कर्नाटका यानी कि कारावाली रीजन में। तुलुनाडु रीजन भी बोला जाता है इसको। इसकी वीडियो मैंने बना दी हुई ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दक्षिण कन्नड़ा के बारे में बात करते हैं। दक्षिण कन्नड़ा की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं। दक्षिण कन्नड़ा के ऊपर बहुत सारे एम्पायर्स ने रूल किया है और पैरेलल रूल किया है। एक ही टाइम पे बहुत सारे एम्पायर्स हुआ करते थे दक्षिण कन्नड़ा के या किसी भी और एरिया के। तो 1500 AD के लगभग इस एरिया में अलुपास डायनेस्टी का रूल था। उसी टाइम पे सबसे पहले 1500 AD में पोर्चुगीज पीपल, यूरोपियन पीपल इस एरिया में आए। जब वो इस एरिया में आए ऑब्वियसली समुद्री रास्ते से आए होंगे, तो सबसे पहले उनका सामना लैंग्वेज से होता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो लैंग्वेज सबसे पहला टूल्स होती है कम्युनिकेशन का। तो उन्होंने जब वहां के लोगों को देखा कि यहाँ के लोग एक स्पेशल लैंग्वेज बोलते हैं जिसका नाम है कन्नड़ा, तो उसी टाइम से एक नए वर्ड का जन्म हुआ। तो यूरोपियन लोगों ने उस वर्ड को कन्नड़ा की बजाय कैनरा बोलना शुरू किया, यानी कि डी को वो आर प्रोनाउंस करते थे, तो उन्होंने कैनरा वर्ड बोलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये वर्ड बहुत फेमस हो गया। आज भी कहीं ना कहीं ये वर्ड हमारे बीच में है, जैसे कैनरा बैंक। हालांकि कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक में मर्ज हो चुका है, लेकिन अभी भी ये नाम बहुत फेमस है। जैसे कैनरा कॉलेज और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज के नाम है जो कैनरा वर्ड से शुरू करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कैनरा वर्ड एक वर्ड है जो कन्नड़ा वर्ड से ही बना है और ये एक्चुअली कैनरा वर्ड कोई वर्ड ही नहीं है। तो ये हुई बात कैनरा वर्ड की। इसी तरह पोर्चुगीज पीपल इस एरिया में आए, काफी टाइम तक उन्होंने रूल किया बाकी एम्पायर से मिलके। फिर फाइनली 1700 AD में हैदर अली और टीपू सुल्तान का राज आया इस एरिया में। उन्होंने लगभग 70-80 साल राज किया। फिर फाइनली लगभग 1800 AD में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को फोर्थ मैसूर वॉर में हरा दिया और पूरा एरिया जो दक्षिण कन्नड़ा और कर्नाटक का जो कुछ पार्ट है अपने कब्जे में ले लिया। तब से अंग्रेजों का शासन इस एरिया में शुरू हुआ। तब अंग्रेजों ने ये जो पूरा कोस्टल कर्नाटका था उसको एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया और मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था कैनरा डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने कैनरा वर्ड को ही ऑफिशियली अनाउंस कर दिया एज अ डिस्ट्रिक्ट। तो कैनरा डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया। तो लगभग 60 साल तक इसी तरह जो मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट रहा। फिर फाइनली 1860 में फर्दर ब्रिटिश पीपल ने इस कैनरा डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ कैनरा और साउथ कैनरा। नॉर्थ कैनरा को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शिफ्ट कर दिया और साउथ कैनरा मद्रास प्रेसिडेंसी का ही पार्ट रहा। अप टू 1947 तक ऐसा रहा। फिर 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली तो मैसूर स्टेट में जो साउथ कैनरा आ गया और बॉम्बे स्टेट में नॉर्थ कैनरा चला गया। फिर उसके बाद फर्दर 1956 में जब लैंग्वेज के आधार के ऊपर दोबारा पार्टीशन हुआ तो मैसूर स्टेट बनाया गया कनाडा डोमिनेटेड स्टेट। तो मैसूर स्टेट में नॉर्थ कैनरा और साउथ कैनरा दोनों पार्ट को ऐड कर लिया गया। उधर से कुर्ग के जो कुर्ग पूरी स्टेट थी उसको ऐड कर लिया गया। हैदराबाद के कुछ पार्ट्स को ऐड किया गया एंड ऑब्वियसली जो नॉर्थ कैनरा था वो बॉम्बे स्टेट से आया था। इस तरह मैसूर स्टेट बना। 1973 में इसको
रीनेमिंग करके कर्नाटका कर दिया गया। इस तरह से मैसूर स्टेट का पार्ट बना जो कि साउथ कैनरा था। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने कर्नाटका गवर्नमेंट में, जो उस टाइम की कर्नाटका जहाँ मैसूर गवर्नमेंट थी, उन्होंने नॉर्थ कैनरा और साउथ कैनरा को चेंज करके, उसका नाम चेंज करके दक्षिण कन्नड़ा और उत्तर कन्नड़ा रख दिया, ताकि जो उनका पुराना आइडेंटिटी था उसको रिगेन किया दोबारा से। तभी से उत्तर कन्नड़ा एंड दक्षिण कन्नड़ा नाम चेंज किया गया। तो फिर फाइनली 1997 में दक्षिण कन्नड़ा को फर्दर कट करके उडुपी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली दक्षिण कन्नड़ा का ही पार्ट था पहले। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे टाइम टू टाइम बाउंड्रीज बदलती है, नाम बदलते हैं, कैसे हिस्ट्री बनती है। जी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री रही। अब हम बात करते हैं दक्षिण कन्नड़ा की आज की सिचुएशन के ऊपर। आज अगर हम दक्षिण कन्नड़ा को देखें तो दक्षिण कन्नड़ा पूरे कर्नाटका का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हर तरह का मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वहाँ मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट मैंगलोर से ऊपर जो कोकण रेलवे है अप टू बॉम्बे तक, नीचे केरला की जो लाइन टच होती है, और मैंगलोर से ही हसन डिस्ट्रिक्ट और बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट को जो लाइन जाती है मैसूर वेस्टर्न गार्ड्स को कट करके। तो इस तरह से ये हर तरफ से रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी तो ऑब्वियसली है ही। तो इस तरह से ये बहुत ही प्रॉस्पीरियस लैंड है। एक तरफ समुंदर है, एक तरफ वेस्टर्न गार्ड्स। तो ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इसका अगला वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।